ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्जायानम नमो लोहे सब साहूनम एष सुरासुर मनुषिन्द वंदितं दोदगायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। हेलो, प्रवचन सार जी परमागम विराजमान है। दो सौ बहत्तर नंबर की गाथा, दो सौ इकहत्तर में जो बात नास्ती से कही उसी को यास्ती से कह रहे हैं। मोक्ष तत्व का स्वरूप समझाते हैं, मैंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, पिछली गाथा में कहा था चिरकाल तक संसार में भ्रमण करते हैं। जो यथार्थ सद्धान करते हैं वे अनंत काल तक अच्छा आचरण करने पर भी तीन पॉइंट खुलासा करना चाहता हूं इसके लिए। दृष्टांत देंगे तो एकदम सरल हो जाएगा आपको, दृष्टांत ध्यान से सुनते हुए। दूध मीठा करने के लिए कितना कठिन काम है, दूध मीठा करने के लिए कितना कठिन काम है, बिल्कुल सरल है, शक्कर डाल, एकदम सरल दृष्टांत है। लेकिन अब लेकिन कह रहा हूं, लेकिन कोई व्यक्ति शक्कर डालने के स्थान पर उपवास करे तो दान करे तो मंदिर बनाए तो तीर्थ यात्रा करे तो करोड़ों के ग्रंथ छपा दे तो करोड़ों के सेवक लगा दे तो अरे हमने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत से पैसा कमाया और इतना दान दे दिया, इतना निर्माण करा दिया, शक्कर दूध मीठा नहीं हुआ। बस इतने दृष्टांत याद रखना, दूध मीठा करने के लिए अन्य उपाय तो करना ही नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं, अन्य उपाय तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब लेकिन आगे बढ़ रहे, सम्यक विचार भी पर्याप्त नहीं है। अब थोड़ा बात सूक्ष्म होगी, सम्यक विचार, हमें तो पक्का श्रद्धा है दूध में शक्कर डालना चाहिए, दूध में शक्कर डालना चाहिए, दूध में शक्कर डालने से हमें तो बहुत विचार करते हैं दूध में शक्कर डालना चाहिए, लेकिन डाले नहीं तो अब हम दो बातें कितनी कठिन है,
एक तो संसार के विषय भोगों को छोड़कर व्रत उपवास करना बहुत कठिन है, मुनि बनना बहुत कठिन है, दान देना बहुत कठिन है, त्याग करना बहुत कठिन। मैं जो तुम समझती हो ना वो संयम बड़ा कठिन, बहुमत तो पापों में ही लगा रहता है। इसीलिए 99% लोगों को ये धोखा हो जाता है, हमने इतनी कठिनाई से व्रत उपवास किए हैं, मुनि बने हैं, इतनी कठिनाई से, तुम छोड़ के तो बता दे रहे 10 बार चरा था एक बार खाद है हम, वो भी अंतराय का पालन करते हो लगता है वो, क्योंकि 99% तब भी नहीं कर पाते, वो करते हैं तो उनको लगता है। यहां तक भी कथा से समझना कठिन ही है। हम फिर कह रहे हैं दूध को मीठा करने के लिए कितने उपवास करें, कितना दान दें, कितना त्याग करें, कितना क्या करें। दूध मीठा करने के लिए पत्नी का त्याग कर दें, बोलो तो हंसोगे आप। दूध मीठा करने के लिए आप बोल क्या रहे हो, ये रहा दूध और ये रही शक्कर, पत्नी का क्या लेना देना अत्यंत अभाव। 1 करोड़ रुपये दान दे रहे, 1 करोड़ रुपये उधर दोगे दान, इसमें क्या लेना देना, ये तो अत्यंत अभाव। आप कुछ भी करो अत्यंत अभाव दिख रहा है। दूध मीठा करने के लिए आप यही कहोगे नहीं नहीं इन सभी जरूरत नहीं, हम शादी कर लेंगे तो कर लो, शादी कर लो तो कोई दमरी का दे कर लो, लेकिन दूध में शक्कर नहीं डालोगे तो मीठा तो नहीं होगा, चाहे शादी करो या मत करो। ऐसा हम पहले जानते नहीं थे, अब हम जानने लगे कि शक्कर से दूध मीठा होता है। भाई जानना भी पर्याप्त नहीं, अच्छा मान ले रहे, हाँ तो मानना भी पर्याप्त नहीं। बोलो उत्तर क्या है, भगवान बनना इतना ही सरल है, सम्यक दर्शन इतना ही सरल है। जैसे आपको दूध और शक्कर का मिठास का स्वरूप कितना इजी गोइंग समझ में आता है, ऐसे आत्मा से परमात्मा बनना तुम एक बार निर्णय करो। क्या निर्णय करो कि हम देह नहीं, हम आत्मा है। अब तुमने सुन लिया, यही तो हम कह रहे थे, पहले तुम क्रियाकांड में लग जाते, अब हमने कहा तुम भगवान आत्मा, तो हाँ भगवान आत्मा जान लिया हमने। अब तो अभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ कि जानना पर्याप्त नहीं। अच्छा हमने मान लिया, अरे मानना मैंने कहने से नहीं माना, प्रतीति में आया कि नहीं आया। अभी तुम सब मानते हो नहीं भगवान आत्मा शुद्ध है, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुए फिर। अब तो 3 काम अच्छे हुए तुम्हारे, एक तो लौकिक आचरण भी ठीक ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 जानते भी हो, स्वाध्याय करते हो, और थोड़ा मानते भी, मानते माने अरे हम तो मानते हैं भगवान आत्मा सत्य है, ऐसा तो कह ही रहे हो, तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं। इसका मतलब जानना मानना कहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हम कहें बात तुम इन 3 काम को मत करो, शक्कर डाल दो। तुम नहीं मानो नहीं जानो, इसका नाम शक्कर है, इसका नाम दूध है, ये नहीं जानो तो भी चलेगा। आपने देखा छोटा बच्चा, छोटा बच्चा वो नहीं जानते इसका नाम दूध है, इसका नाम शक्कर है, ये उसने देखा है मम्मी दूध में शक्कर डाल के ऐसे ऐसे करती है। अब उसे ये प्रतीति नहीं कितने दूध में कितनी शक्कर डालना है, उसे नहीं पता कुछ, नाम भी नहीं जानता वो, लेकिन वो डालता है, वो समझ गया। आपको पता है बच्चे बहुत सारी बातें जानते हैं, उनसे पूछोगे तो बता नहीं पाएंगे। हम तो बड़े बड़े लोगों से 25-25, 40-40, 50-50 साल के लोगों से पूछते तुम्हारी दादी का नाम क्या है, तो दादी का नाम दादी, 50 साल का आदमी कहता है उसकी दादी का नाम दादी। तुम्हें नहीं पता हुआ, कई लोगों को पता नहीं। हमने एक बच्चे से पूछा, हमारे रिश्तेदार से, तुम्हारी ताई का क्या नाम है, हक्का बक्का ताई, अब कोई काम ही नहीं पड़ा, ताई का नाम पूछो, ताई बस खत्म, बड़ी मम्मी बस खत्म। मम्मी पूछ गया, पूछा तब मालूम पड़ा कि उनका भाई सुभद्रा भाई नाम है। लेकिन लेकिन आप जानते हो वो नाम नहीं जानता 50 साल का आदमी, फिर भी प्रतीति सच्ची है। कुछ कह रहा हूं समझ रहे हो, आप पंडिताई नहीं सीखोगे तो चलेगा, छह सब नहीं सीखोगे तो चलेगा, लेकिन ध्रुव अनुभव करोगे ना तो काम नहीं चलेगा। ध्रुव के बारे में नहीं जानोगे तो चलेगा, ध्रुव नहीं बोलोगे तो चलेगा, लेकिन ध्रुव को तो टच करना पड़ेगा।
टच करना पड़ेगा, मैंने मैं ध्रुव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं देह से भिन्न हूं। बस इतने में हमने सब कह दिया, सब कह दिया, कुछ छोड़ा नहीं हमने। दूध में जैसे शक्कर डालना ही पड़ेगी, नाम नहीं जाना तो अभी अंग्रेज से पूछे ये क्या है तो शक्कर नहीं बताएगा, वो शुगर कहेगा। अन्य लोगों से पूछे वो कहे चीनी है, चीनी। जब हमने पहली बार सुना चीनी था, भैया चीनी तो भी होते चाइना में रहते जी, चीनी कहा है? चीनी जब जब दो चार लोगों ने चीनी कही तो अपन समझ गए चीनी शक्कर को ही कहते हैं, अपन पर्यायवाची समझ गए इसको। तुम कुछ भी कहो लेकिन डलेगा यही कुछ कह रहा हूं। असंख्यात त्रियंचों ने समय सारजी पढ़े बिना, ध्रुव को जाने बिना, जाने माने शब्द शब्द हो ध्यान रखना, छोपसम बिना, पंडिताई बिना, स्वानुभव कर लिया। तुम चाहो तो एक सेकंड अभी कर लो, लेकिन तुम मनुष्य हो ना इसलिए नहीं करोगे तुम मनुष्य हो ना इसलिए नहीं करोगे समय तो अभी भी तुम गायक हो। हाँ वो तुम बहुत सुन चुके अरे सुन नहीं चुके, मानते हो तुम? जैसे हम तुमसे कहते हैं दूध को मीठा करने के लिए कितनी बार तो बस, कितनी तीर्थ यात्रा, कितनी करोड़ का दान, तो तुम एकदम समझ में आता नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसे हम कह रहे भगवान आत्मा के अनुभव के लिए, मोक्ष जाने के लिए, ना कोई व्रत, ना कोई तीर्थ, ना कोई उपवास है, यहां से कैसे हवा कड़ गए तुम? और इसीलिए ये मिथ्या भ्रांति पलती रहती है। हम तो बहुत सुधर गए, पहले से बहुत सुधर गए। पहले तो अनछनो पानी पी ले तैयार कहीं, अब तुम छनो पियत, और अब तो हमने बुआ को पियत हैंडपंप को, अब तो कुआई को पिया था हमें क्या ठीक हो। लेकिन तुम मुझे बता सकते हो तुम पीते हो और कौन पियत? तो तुम ग्याय को कहां जानते हो, शुद्धात्मा को कहां जानते हो, ध्रुव को कहां जानते हो? अरे पूछ लो 144 गाथा में लिखी है, छठी में लिखी, यही तो दिक्कत है। तुम्हें शुद्धात्मा भी ग्रंथों में दिखती है, मैं देह से भिन्न शुद्धात्मा हूं ये तुम्हें नहीं दिखता। समझ गए क्या अंतर पड़ा? बोलो अब पेट में उतरे, अभी मुश्किल पड़ेगी। हम तुमसे कहें एक काम करो बेटा, एक बार कल से मंदिर मत आना, ध्रुव अनुभव करो। ही मंदिर छुटा रहे, मुझे यहां से लगता है जैसे इसकी जायदाद लुट रही है देखो मंदिर नहीं छुटा रहे, मंदिर छूटेगा जी। और तो सही बताएं अभी तुम्हें मंदिर मिला ही कब है? तुम तो रोटी खाने की परमिशन लेने आते हो अभी भी आती है, ये तुम्हें प्रतिज्ञा नहीं हुआ तो तुम सीधे 10 बजे बिस्तर से उठ के रोटी खाओ। जैसे वे लोग होते हैं ना बेड टी वाले, यहां से तुम बेड रोटी खाओ बताओ। अच्छा बोलो प्रतिज्ञा नहीं हुआ तो कैसे करो? बोलो प्रतिज्ञा है तो फिर तुम बिल्कुल रोटी के लिए मंदिर आते हो। अम्मा कहती रोटी हम तवाई देंगे जाओ, अब क्या करें, मरता क्या ना करता हम नहीं कहते तुम्हें मंदिर मिला ही नहीं, तुम्हें मंदिर समझ में नहीं आया मंदिर। लेकिन अभी मैं फिर कहता हूं जैसे आपको दूध और शक्कर का दृष्टांत समझ में आता है उसके लिए सुनना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। मैं जो तुम्हें तेरी गाथा सुना रहा हूं तुम 271 272 नंबर गाथा सुना रहा हूं उनका सारे हमारे यहाँ किराएदार थे, किराएदार तो वो हमसे कहते तुम कितना घी खा लेते हो महीना भर में? तो हम हमारा पूरा परिवार 4 किलो घी खा लेता है एक महीने में। अच्छा बोले हम तो 100 ग्राम घी खाते हैं रोज, वो खत्म ही नहीं होता, जिंदगी भर चलता है हमारा 100 ग्राम घी। हम 100 ग्राम घी पूरी जिंदगी कैसे चलता है? बोले हम हर रोटी पे 100 ग्राम घी चिपड़ते हैं, अब हम तो बहुत छोटी थी सुन कैसे चिपड़ ली थी। बोले हमने ट्रांसपेरेंट शीशी में 100 ग्राम की शीशी है उसमें घी भरा है, ट्रांसपेरेंट कांच की शीशी में 100 ग्राम घी है, ढक्कन बंद है, हर रोटी पे चिपड़ती। अब तुम्हें हम पे तो हंसी आ रही होगी क्योंकि तुम्हें अत्यंत अभाव समझ में आ रहा है, घी रोटी भी कैसे लग गया, सीसी है तो
अब हम तुमसे कह रहे तुम शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहते हो और इसे मसलते फिर रहे हो। दर्शन इसका, पूजन इसका, भोजन इसका, तीर्थ यात्रा इसकी, तुम्हें अत्यंत अभाव समझ में आती है बात। अभी भी तीर्थ, अभी कोई तुमसे तीर्थ यात्रा शिरोमणि, मोक्ष लोगों में से लगभग कम ही लोग हैं जो परिक्रमा करने जाते हैं पहाड़ में, लगभग मैं समझता हूं कम जा कम लोग जाते हैं। तो मानो अन्य वाले लोग क्या कहते, इन लोगों धर्म की श्रद्धा तक नहीं है। देव क्या कह रहे, धर्म की श्रद्धा तक नहीं है। क्यों धर्म की श्रद्धा माने, इतनी बड़ी परिक्रमा लगा 24 घंटे घूमो, नहीं घूमे तो बस बेकार। अब अभी कदम और आगे चले, लेकिन मान चले मोक्ष पर्वत पे ही ना जाए साल भर, तो ये तो नहीं चले, भले परिक्रमा मत लगा लेकिन पर्वत पे तो जरूर जाए। तो उसकी श्रद्धा तुम्हारी श्रद्धा में क्या फर्क पड़ो, मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये सुनने में कंटा लाता है। और एक कदम चलो ऊपर दर्शन करने ही ना जाए तो नहीं सर, अब तो बहुत हो गई, मैंने अभी भी अहम भई धारण करता है, जे कह रहे हैं अभी भी ये सीसी के ऊपर से अहम धारण करता है। हम ये नहीं कह रहे कि मत करो कि करो, हमारा कहना नहीं है, लेकिन तुम्हारा अहम इसमें है। और तुम खुद ही कह रहे सम्यक दर्शन कठिन है, इसलिए कठिन है, अभी तक सम्यक दर्शन हुआ इसलिए नहीं हुआ, एक सेकंड में हो सकता है सम्यक दर्शन। केवल देह भिन्न है आत्मा भिन्न है इतना जानो बस, देह भिन्न आत्मा भिन्न मतलब जो तुम जानते, अरे तुम जानते हो फिर वही वाली बात, जानते हो लेकिन प्रतीति कहाँ है तुम्हें, भजन तो इस पर देते हो। जैसे खोटे आदमी होते ना, खोटे आदमी जब कोई पुलिस वाले पूछते जी कौन है, कि हमारी पत्नी, और तुम्हारे चित्त कहाँ लगा रहता है उसमें, भाई जब तुम इसे पत्नी कह रहे थे तुम्हारा चित्त भी इसमें लगना चाहिए ना, उधर क्यों लगता है तुम्हारा चित्त, जो हमारा घर है तो यहाँ क्यों नहीं आते, उस घर में क्यों घुसते, जब तुम जैन हो तो होटल में क्यों जाते हो, जैन है तो क्या हुआ, होटल तो बहुत अच्छी होती है, लिखा है सब शुद्ध, मैं समझ गए 3-4 दृष्टांत देख के रही। यदि तुम आत्मा को स्वयं जानते हो तो भजन उस पर जाना चाहिए ना, इस पर क्यों जाता है। अब सुनोगे कठिन बात है, मुनिराजों का प्रकरण चल रहा है, मुनिराजों का प्रकरण है, मंदिर जाने से धर्म होता तो दिगंबर मुनिराज रोज मंदिर जाते, दिगंबर मुनिराजों को मंदिर जाना कंपलसरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, मंदिर तो बहुत छोटी चीज है, साक्षात समोसरण में जाना कंपलसरी नहीं। तुम सोच सकते हो कोई दिगंबर मुनिराज यहां पधारे और पर्वत पे ना जाए, अब जी भजन तुम्हारा इस पर ये कह रहे हैं क्यों, मैं उल्टा नहीं पकड़ना, तो मैं तो केवल समझा रहा हूं कि तुम्हारा घी पे वजन नहीं है, सीसी पे वजन है, जी कह रहे हैं। तुम बड़े खुश होते हैं 100 ग्राम घी चिपड़ा एक एक रोटी में। तुम जितना वजन देते हो तो इस पे देते हो, इसका नाम आया था सद्दान, और ऐसे जीव चिरकाल तक संसार में भ्रमेंगे ऐसा लिखा है, और ये लिखा है संसार है, वे संसार के नेता है ऐसा लिख रहे हैं। इसके विपरीत अब 272 नंबर की गाथा आएगी, उसमें क्या कहेंगे, जो जो यथार्थ जानते हैं मानते हैं, मैं आगे इसमें गाथा आई पढ़ो, यथार्थ ग्राही तत्व के ग्राही तत्व की, शुद्धात्मा को जानने वाले, जानना माने कोरा जानना नहीं, भजन वाले। बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है जी, हर बेटा जानता है मेरे बाप पिताजी है, बाप तो हम नहीं कहेंगे जी हमारे पिताजी है, लेकिन जो खराब लड़के थे बाप ही कहते जी हमारा बाप है, लेकिन हम कह रहे वो पिताजी कह रहा है, कोई बात नहीं, क्यों तुम समझते पिताजी किसे कह दे,
पिताजी के सामने ऊंची जवान से नहीं बोला जाता, पिताजी के सामने बिस्तर पर नहीं सोया जाता, पिताजी के सामने बैठा नहीं जाता, पिताजी को पहले, पिताजी घर में उपस्थित है तो पहले उन्हें भोजन कराया जाता है। तुम जानते हो जी, अरे हम इतनी जानते हैं ये बाप है हमारा, यही तो दिक्कत है, पिताजी को बाप में यही फर्क है। समझ में आया कुछ? पिताजी किसे कहते हैं पिताजी? उन पर वजन आता ही नहीं तुम्हारा, रिस्पेक्ट नहीं आता, ड्यू रिस्पेक्ट। तो पिताजी कहां समझे आपने? ये हमारी शिक्षक है और तुमने नमस्ते तक नहीं करी, तो तुमने शिक्षक कहां समझा उनको? ऐसे तुमने शुद्ध आत्मा कहां समझा? तुमने उसको वजन ही नहीं दिया। अभी हमने क्या दो तीन बातें, परिक्रमा, ऊपर की वंदना, ऊपर का मंदिर, तीनों में धर्म नहीं। सुनते से ही हम तो पहले ही जा रहे थे सोनगढ़ वाले कहां जाएंगे मंदिर, अरे क्या गजब हो गए, लेकिन मंदिर में धर्म नहीं है, जाते तो हम भी है मंदिर, ये तो फिर क्या जाते हैं मंदिर में धर्म नहीं है, इसीलिए तो जाते हैं कि मंदिर में हमें मालूम पड़ा कि धर्म यहां नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। समझ गए? दिगंबर मुनि भगवान तो मंदिर नहीं जाते, तीर्थ यात्रा भी नहीं करें, यदि जरूरत पड़े तो नहीं करें, नहीं करें, नहीं आप कर नहीं जाए। सोनागिरी जी देखा, सोनागिरी जी मैं बहुत सोचता हूँ, सोनागिरी में 100 मंदिर है, लगभग 108, लेकिन अधिकतर तो भाई आदिनाथ पार्श्वनाथ, आदिनाथ पार्श्वनाथ, आदिनाथ पार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु, हर मंदिर में चंद्र प्रभु। तो अपन ने एक प्रतिमा में नमस्कार कर दिया तो असली प्रतिमा तक तो नमस्कार पहुंचेगी कायदे से, लेकिन एक मंदिर में चार वेदी, चार चंद्र प्रभु का प्रणाम कर, क्या प्रयोजन क्या है? क्यों तुम तो अपने पिताजी की सुबह उठ लगा ले और सोई जगह श्रद्धांजलि दोगे का? अपनी मेरी समझ में नहीं आती बात, समझ में नहीं आती, मतलब मैं कोई कुछ कह नहीं रहा, मेरी समझ में भी आती है बात। पहले दिगंबर मुझे बहुत सारे होते थे, कोई इस मंदिर में ध्यान कर रहा, कोई उस मंदिर में ध्यान कर रहा, कोई उसमें कर रहा, कि 10-25 में आदि कहाँ चली गई, किसी में ब्रह्मचारी चले गए, कोई को कोई से डिस्टर्ब नहीं, कोई को भक्ति करना है तो करते रहो, कोई को पाठ करना है पाठ करते रहो, किसी को पढ़ना है पढ़ते रहो, कोई को ध्यान करना ध्यान करते रहो, वो इसलिए था। लेकिन जी अपन समझे ही नहीं, अपन तो भैया जी मैंने एक मंदिर भी छोड़ दो ना, मैं कह रहा हूँ मैंने पार्श्वनाथ दर्शन कर लिए और इस मंदिर में पार्श्वनाथ है, हम ना जाए तो इतने पैसा का फालतू लगाए अपन इतने तक आवेगी, मुझे जी तो समझ में आता है कि पैसा आना निर्थक हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं तुमने प्रयोजन नहीं सारा, तुम्हें निर्थकता नहीं लगती? ध्यान रखना हम कुछ कहना नहीं है, मुझे पता है जो मेरी सहेली है उसे तो बहुत परेशानी हो जाएगी लोगों को। समझ में आ रही? समझ में आई बेटी तुम्हारे प्रश्न का होता है? पूछ रहा था कल आपने कहा था कि पुण्य के उदय से देश सास गुरु तो मिलते हैं, तो भजन तो पुण्य पे गया ना इसमें, पुण्य के उदय से देश सास गुरु मिलते हैं ये बात सच्ची नहीं है, वो सच्ची भी है सियाज बात है। सुनो कल ही दृष्टांत दे दिया था ना, कल ही क्या दृष्टांत दिया था बोलो? चलिए एक ट्रेन का एक और दिया था, हाँ शादी की मिठाइयां बनी, बाजे बजे, कार्ड छपे, कुखा हुए सब रिश्ता है, तो पुण्य का होता है कि नहीं? बस मोड़ी को ब्याह नहीं भाव, बारात चली गई वापस, ये कहीं काम नहीं वापस। अच्छा एक बात, आप रसगुल्ला अच्छे टेस्ट के बने, ये पुण्य को तो नहीं, इंदौर वाले हलवाई ने बनाए बड़ी क्या, ये कैसे हलवाई बने और क्या मिठाइयां बनाई, ऐसा टेस्ट तो कभी कोई खाया नहीं, इतना टेस्ट। अब लड़की लड़का वाले चले गए, चले गए पुण्य का उदय, बोलो कौन कहेगा पुण्य का उदय? पुण्य का उदय तो तब कहा जाए जब हमारी बेटी का विवाह हो जाए, ये ऐसी है सम्यक दर्शन हो जाए तो मंदिर मिलना पुण्य का उदय है। ये माली इसमें रहता है, माली और पुजारी रहता है, वो दिन भर कुड़कुड़ाता रहता है, काम काम हम काम, अच्छी भगवान बनी, इतनी बड़ी मंदिर बन गया, हम कहाँ तक जाने,
तो भाई बता पुण्य का उदय है कि नहीं मंदिर, बोलो। वो मंदिर में कुड़कुड़ा रहा है पुजारी माली, तो बताओ तो पुण्य का उदय है कि नहीं देश आदि रूप में मिलना। इसका क्या मतलब, प्रयोजन सदने पर ही पुण्य का उदय है। समझ में आया? बहुत सारी विवक्षाएं हैं जिन वाणी में, सच्चा पुण्य का उदय और सच्चा पुण्य का बंध तो सम्यक दृष्टि को होता है। पढ़ो ये क्या कह रहे, सच्चा पुण्य बंध और पुण्य का उदय सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को तो पुण्य का उदय ही नहीं होता है। ऐसे कैसे नहीं होता, देख आओ करोड़पति अरबपति खरबपति, हाँ तो उनका पाप अनुबंधी पुण्य है। क्या है माने पुण्य के उदय में पाप बांधते हुए, समझ रहे क्या कह रहे हैं। जैसे तुम्हारी पर्याप्त तो पैसा है, अब फिर भी तुम दुकान चला रहे हो, पाप आने मान दी है, अरे धर्म में लगो आराधना में लगो। उनका एक बच्चा आया था आज सुबह, हमारे 5 पेट्रोल पंप है, पापा ने कह दिया करो MBA घर भला करो फिर तभी संभालोगे। मेरे पिताजी ने 5 कर दिए, वही पेट्रोल पंप में पैसा तो खा नहीं पा रहे थे, और तुम और कर लोगे 10-5। फिर जब बताओ मरते समय क्या हुई है, मोड़ा मोड़ी तुम्हारे होने नहीं, एक आध एक आध कोई प्रचलन है, करोगे क्या जी तो बता। मैं इस आदमी को ये बेवकूफी नहीं लगती कि जो रोटी खानी नहीं उन्हें बनाओ का है। पापानुबंधी समझ गए, जी है पापानुबंधी, हमारे पास बुद्धि है इसलिए हम पापों में चलेंगे, हमारे पास शिव संबंध पड़ी हम कमाने चले, दिन रात कमा रहे क्यों। इस व्यक्ति को समझदार कहोगे जो अपने नौकर के लिए अरबों रुपए कमा रहा है, खुद नहीं खाता एक रुपया भी। क्या कह रहे, खुद एक रुपया नहीं खाता, अपने नौकर के लिए अरबों रुपए कमा के दे जाता है, मर जाता है। फिर बोलो अंकित कितना कितना बढ़िया है वो, बोलो हम क्या कहते, तुम अरबों रुपया भी इसे भी कहां दे रहे, ये तो जेबी तो जल के राख हो जाता है। आत्मा तो एक पैसा नहीं खाता, आत्मा एक कण नहीं खाता, आत्मा एक पानी की बूंद नहीं पीता, आत्मा सोने का एक गहना नहीं पहनता। बताने काम कौन के लिए कमा रहे, अब जी समझ काय का अर्थ किया, पाप अनुबंधी पुण्य काय का अर्थ किया, सम्यक दृष्टि को ही पुण्य का बंध होता है और सम्यक दृष्टि को ही पुण्य का उदय होता है, क्योंकि वो उसके उपयोग करना जानता है, पुण्य का उपयोग करना जानता है। पैसा है तो इसका कैसे उपयोग करें। अभी क्या पढ़ा था अपने उस पत्रिका में, संपत्ति की दो ही नियति है, या तो छोड़ के जाओ या दे के जाओ, दे के माने दान दे के जाओ या छोड़ के जाओ, साथ ले जाने की तो कोई व्यवस्था है नहीं। समझ गए कुछ क्या कह रहे हैं, अभी वही लगता है मतलब पूरा भजन। तब तुमने कहाँ जाना शब्दात्मा, कहाँ जाना गया है, पूरा भजन तो तुम्हारे उस पर ही। अब इसी को थोड़ा टेक्निकल भाषा में कहते, तुम्हारे में कर्तव्य बुद्धि चढ़ी हुई है, वो टेक्निकल भाषा होती है, हमने टेक्निकल भाषा नहीं बोली, तुम्हें कर्तव्य बुद्धि का जीवन है वो तुम समझ में थोड़ी आएगी। नहीं बताओ ना देह पर जोर है कि नहीं तुम्हारा, सही बताना। ये मान एक दृष्टांत दे रहा हूं, पूरे जैन समाज में बुंदेलखंड मुख्यता से ले लें कि मैं अष्टमी चौदस को उपास करूं और बिल्कुल भी स्वाध्याय नहीं करूं तो भी मेरी बहुत महिमा होगी, मैं खूब स्वाध्याय करूंगा, स्वानुभव भी करूंगा, सब कुछ करूं, लेकिन उपवास नहीं करूं, वो गलती से उसने हरी और खा ली तो क्या दुर्गति होगी हमारी। मैं ये कह रहा हूं भजन कितना इस पर गए जी कह रहे। अब बोलो अब कैसे समझोगे इन बातों, इसलिए आचार्य देव ने ये गाथा लिखी है, ये रत्न वाली गाथा है, रत्न इसका नाम है रत्न, मेरे मैं हमने अपने घर से नहीं बोल रहे, इसमें लिखा है पंचरत्न की गाथा में, यह गाथा है कि भाई यदि तुम यथार्थ जानते हो तो चिरकाल तक बहुत जल्दी मोक्ष चले जाओगे। क्या लिखा था,
भव भ्रमे ना भव भ्रमे चिरकाल तक, मतलब जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, लंबे समय तक संसार में नहीं रहेंगे। और पिछली गाथा में क्या कहा था, वे चिरकाल तक भव में भ्रमेंगे। मैं इस महत्ता को समझो, ध्रुव को जानना कितनी क्या काम की बात है, ज्ञाय अनुभव करना कितनी काम की बात है, देह से दिन अनुभव अनुभव मतलब समझ गए, समझ रहे कि नहीं भैया, सबसे कह रहे बात, जानकारी अलग बात है, हमने शुरू ही मना कर दिया दृष्टान्त, जानकारी से क्या होता है, तुम्हारा वजन आना चाहिए। क्यों अंजन चोर को तुम दीक्षा दे सकते हो, बोलो, तुम सोचो, और समाज तुम्हारे विरोध हो जाएगी, विरुद्ध हो जाएगी, समाज तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगी यदि तुम दीक्षा दोगे, तो तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम अंजन चोर को दीक्षा दे, सोचो। इतनी हिम्मत सम्यक दृष्टि में होती है, सारे मिथ्या दृष्टियों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन एक सम्यक सम्मुख को नहीं छोड़ा जा सकता। सब लोग निंदा करें तो करो, जब ये सही हो जाएगा तब एक लोग कहेंगे अरे गजब, धन्य है आपकी करुणा, धन्य है, सही बताओ। अभी मेरे संग रहने वाले कोई गलत काम करे तो आपको क्या लगे, अरे वो सब बेस्ट है, इतनी जल्दी बेस्ट हुए, बस वही सब अष्टमी दिन खा रहे थे, अरे तो क्या हो गया, अष्टमी दिन खा रहे थे, लेकिन अष्टमी दिन शुद्धात्मा देख रहे थे, तुमने क्यों नहीं चेक किया, हम इन्हें कह रहे देख रहे थे कि नहीं देख रहे, देख रहे तो बहुत सावास, समझ आ रहा क्या कह रहे हैं। इसलिए आज दोपहर में कहा था, अक्रम उपदेश देना दंड के योग्य है, लिखा है वक्ता की जिम्मेदारी है अक्रम उपदेश नहीं देना, सप्त व्यसनों से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात को पहले छुड़ाया है, क्या लिखा है समझ गए, वो मिथ्या दृष्टि को सप्त व्यसन करता है, पहले क्या छुड़ाओगे, कह रहे तुम अभी सोचो, कलेजा पे हाथ रख के अरे खाए, जो उपदेश शैली है ये तो उपदेश शैली है, पढ़ना पड़ेगा आपको, क्या कहलाता है वो, क्या कहलाता है वो, शरणानियों की विशेषता परिभाषा, इसमें सुभाषित का प्रयोग किया जाता है, सुभाषित नीतियों का प्रयोग किया जाता है, होता नहीं है, एक होता है सर्वसाधारण को कहना, वो तो गवर्नमेंट भी कहेगी, कानून भी कहता है सत्य व्यसन मत करो, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाने के लिए सत्य व्यसन को तो कोई भी यहां नहीं करेगा, जितना है ना मुसलमान भी नहीं करेंगे, उनकी बाइबल में भी नहीं लिखा है कि नहीं तुम सत्य व्यसन कर सकते हो, तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन सत्य व्यसन है इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, ये नहीं, और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम सत्य व्यसन करने लगो, करने लगो ये नहीं कहेंगे, लेकिन कर रहे होगे तो हम घृणा नहीं करेंगे, हम तुम्हें सम्यक दर्शन करा के गले लगाएंगे, थोड़ी कमजोर भाषा बोली है, सम्यक दर्शन करा के नहीं, सम्यक दर्शन कराने के लिए गले लगाएंगे, अंतर पड़ा। क्या अंतर पड़ा, हमारा सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो गले नहीं लगाओगे कि नहीं, हम सम्यक दर्शन कराने के लिए गले लगाएंगे, इसलिए हमें किसी से घृणा नहीं, किसी से नफरत नहीं, आज तक हमने एक शब्द भी विपरीत नहीं बोला, अरे तुम शादी कर ली आप डूबो संसार, हमने आज तक नहीं बोला किसी से, तुम लोग सबसे यही कह रहे शादी होगी नहीं होगी वो बात की बात है, पहले तुम तत्व निर्णय करो, आप स्वानुभव करो, जी मत पड़ो रे हम रह नहीं पाई तो कर लियो शादी, नहीं रह पाओगे तो कच्ची तकलीफ नहीं, लेकिन निर्णय तो करो, ऐसा थोड़ी लिखा कि शादी नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन होगा, बताओ हम फिर कह रहे, अभी अंदरस्टैंड किया, दूध में शक्कर डालने के लिए शादी करना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य लेना जरूरी है, तो शक्कर डालो बस, कहते हमने आज तक हताश नहीं की किसी को, किसी को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया, आप अक्रम उपदेश देना पाप है जी कह रहे हो, अक्रम नहीं, अक्रम कम से देख, अब इसका मैं ये नहीं कोई सत्य व्यसन करे तो हम उसको अनुमोदन करेंगे प्रेरणा करेंगे, वो हम नहीं कह रहे, हम भी कहेंगे मत करो भाई, क्या करते,
घृणा नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि उबलता हुआ पानी शीतल ही होगा। होगा और क्या करो, उबलता हुआ पानी फेंकने की थोड़ी है। गुरुओं के बारे में एक शब्द लिखा है, आपको विश्व प्रति इतनी करुणा है, आप थाकते नहीं, समझिए थाकते नहीं, थकते नहीं हो आप, तो थकान में काम क्या है? करुणा अथक होती है, घृणा नहीं करना, सो थकते नहीं। एक बात बताऊं, घृणा करने वाली थकती है, क्रोध करने वाली थकती है, कसाय करने वाली थकती है, करुणा वाली काम थकेंगे, क्योंकि हमें देख नहीं थे सब भगवान, बस अब हम थकान का काम है। सबको भगवान आत्मा देखने में क्यों थकेंगे बताओ? हाँ कसाय करना हो तो जरूरत है, ये बहुत खराब आदमी है, अब हम तो परेशान हो गए, 10 लोग हो गए, गंदे गंदे लोग दिखे, सबका गंदा इतिहास है, तो तुम्हें तो पागल हो गए। लेकिन करुणा करके सबको भगवान देखने में काहे की था कि साहब आप उन्हें भगवान देखोगे तो उनका तो कुछ भला नहीं होगा, हिम्मत होंगे हमारा तो भला हो रहा है, हम अभी नहीं थक रहे, माने संभाल निद्रा हो रही है, आश्रम बंद नहीं करेंगे, उनका जितना योग्यता उतना कल्याण हो जाएगा, उतना निमित्त बन जाएंगे उनकी योग्यता में, हमें उसमें क्या टेंशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? बड़ा सुंदर मार्ग, मेहनत समझ गए, मेहनत एक बार नहीं जानो तो चलेगा। तुमने कहा था ना कि आज हमने रिएक्शन नहीं दिया, हम तो ये सोच रहे ध्रुव है, नहीं समझ में आया तो कोई बात, ध्रुव है, हमने कहा बिल्कुल ठीक, हमें ये कहें नहीं 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 तो मतलब ये रिएक्शन भी करना पड़ेगा, मत कर कि आज हम नहीं आ पाए प्रोजेक्ट, नहीं आपको ध्रुव देखो बस, नकली सही, हाँ नकली सही, थोड़े दिन असली हो जाए। समझ में आ रही भैया, थोड़ी कठिन तो लगती होगी बात, क्योंकि अनादि का अभ्यास है, देह के आचरण का धर्म मानना, फिर शास्त्र पढ़ना, फिर शास्त्र की चर्चा करना, ये तीनों मिथ्यात्म है। हे क्या कह रहे तुम भाई? हम नहीं कह रहे, इस पे लिखा है पढ़ो आप, ऐसे कैसे लिखा? अरे ऐसे लिखा है कि तुम आत्मा को आत्मा नहीं जान रहे, इतनी सी बात है। अरे समय से समय क्या कठिन है जी बता, दूध को मीठा करना कितना कठिन काम है, बोलो भाई, दूध को मीठा करने के लिए कितने जन्मों का पुण्य चाहिए? दूध को मीठा करने कितने जन्मों का पुण्य चाहिए? शक्कर तो दे रही, मतलब कितना सरल काम, यहां से समझ दर्शन इतना सरल, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं, इतनी सरल बात, इसमें क्या गड़बड़? हाँ बात तो सही है, ऐसे क्यों बोले? शक्कर के मामले बोले जरा, बात तो सही है, बोले जरा और सरल समझो, अपनी मम्मी को अपनी मम्मी मानने में क्या कठिनाई? ओके वो सरल है, अच्छा तो क्या कठिन तुम बताओ, अपनी माँ को माँ कहने में क्या कठिन है? अरे बोलो, हाँ तुम मानोगे जब पता लगेगा, हम यही तो कह रहे हैं कि अपनी माँ को माँ मानना कितना सरल है, ऐसे आत्मा को आत्मा मानना कितना सरल, इसमें क्या पापड़ी? लेकिन तुमने इतने उल्टे उल्टे प्रवचन सुन लिए, अनंत जन्मों का पुण्य का उदय चाहिए, विशुद्धि चाहिए, काल्पनि चाहिए, और क्या कहते हैं, भवितव्य चाहिए, होनहार चाहिए, निमित्त चाहिए, बहुत विचक्षण ज्ञान चाहिए, सूक्ष्म उपयोग चाहिए, हमें तो कुछ नहीं लगता भैया। अरे तो झूठ कह रहे भी? नहीं भी झूठ नहीं कह रहे, तो मानत नहीं इसलिए कह रहे। तुम नहीं मानते इसी के नाम तो मोह है। अभी भारतवासियों को कोई नहीं समझा सकता कि कैंसर की सबसे अच्छी दवाई हल्दी है, बताओ रोज खाद, यही तो दिक्कत है, रोज खाद में की महिमा नहीं है ना, लिखा है ना हल्दी सबसे ज्यादा एंटीसेप्टिक है, लेकिन विश्वास ही नहीं कहा, हम तो रोज खा रहे हैं। तुम अपने गांव अपने घर के सामने के लड़के को देखते हो बचपन से, पहले वो नाक पहुंचा तो फिर बड़ा होगा धीरे धीरे, अब एक दिन उसे राष्ट्रपति अवार्ड मिला, जाए वो
मैं तुम भरोसे नहीं करते इसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा। अब क्या समझा दें बता, दुनिया की सबसे सरलतम घटना है सम्यक दर्शन, क्योंकि इसके लिए तुम्हें शब्द ज्ञान भी नहीं हो तो चलेगा, पंडिताई नहीं हो तो बिल्कुल ही चलेगा। पंडित आई गलत है। अब देखो कई लोग मुझे सुन रहे होंगे नाराज हो रहे होंगे, पंडित आई गलत चीज नहीं, हम पंडित आई गलत नहीं कह रहे, सियात बात है। तुम पंडित आई का दुरुपयोग करोगे तो नहीं होगा सम्यक दर्शन, दुरुपयोग यही है। रत्नाकर कवि ने भरतीय विभव लिखा, देखो उस भरतीय विभव को वो सम्मान नहीं मिला जो उनकी एक उनके समकालिक उनका एक विद्यार्थी था सहपाठी, उसने संस्कृत प्राकृत में संस्कृत में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, वो हाथी पे निकाला गया क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया वो। और किसी ने पढ़ा भी नहीं उसको, 10-50 लोगों ने पढ़ा, वो बड़े साहित्यकारों ने, इतना टफ उसमें संस्कृत है और इतने टफ उसके समास हैं, इतने अलंकार भी भरे पड़े हैं कि समझने के लिए बहुत सर दुखा पहले। कोई वो पढ़ता नहीं, कोई 10-25 लोगों ने पढ़ा हुआ, 50 लोगों ने अभी तक वो फिर पढ़ा ही नहीं, ना उसकी इतनी प्रतियां छपी होती, छपी थी 1000-2000 इसके अलावा छपी नहीं। लेकिन रत्नाकर का भरती रहे तो लाखों छप गए, बहुत छप गए, बहुत पढ़ा गया, बहुत कुछ किया। लेकिन उन्हें इसी बात का दुख था कि जो कोई नहीं पढ़ रहा उसको तो हाथी पे निकाला, वो जो ग्रंथ लिखा था ना उसको हाथी पे निकाला गया, गाजते बाजते भट्टार को उन्होंने बड़ा उत्सव किया था उसको, क्योंकि समझ में किसी को नहीं आया। और इन्होंने जो लिखा था इनके सब समझ में, ए क्या सरल हिंदी लिख दी तुमने, इतनी सरल कि इसमें प्रवचन तक करने की गुंजाइश नहीं है। मैं इतना सरलता से लिख दिया उन्होंने, और इसी कारण से वो वैष्णव हो गए, जैनों से जेलेसी कर गए, मैंने बहुत तकलीफ पा करके जैनों से जैन धर्म ही छोड़ दिया उन्होंने, वैष्णव धर्म में चले गए। लेकिन वहां पर भी यही चर्चा करते थे, क्यों तत्वज्ञान कहाँ जाए, वहां रहते रहते भी यही चर्चा करते थे, चर्चा यही करते थे। व्यक्तिगत द्वेष हो गया तो भट्टार पास है, हमें नहीं रहना इनके साथ, नहीं करना, तो वहां भी चर्चा ही करे। फिर मरते समय उन्होंने समाधि करी जैन धर्म के अनुसार ही, क्योंकि अंदर से तो सही लगता था। कुछ समझ में आया हम क्या कह रहे बेटी, इसीलिए हम सबको कह रहे बहुत सरल है, एमकॉम कर लेना, एमए कर लेना, जेनोलॉजी कर लेना, पीएचडी कर लेना, नेट निकाल लेना, पैसे मिल जाना, तो विपरीत रास्ते पे चले जाते हो। फिर झट एक ईगो ईगो खर्चित हो जाते, मैंने नेट निकाल दी, गवर्नमेंट ने 1000 रुपये दिए मुझे, पीएचडी करी, हम डॉक्टर हैं, मुझे इतना दुख होता है। 108 मुनिराजू के नाम क्या लिखते हैं, 108 वही 108 छोड़ के डॉक्टर लिख रहे हैं, नहीं पीएचडी किया इसलिए डॉक्टर लिख रहे हैं। क्या क्या तुम तो ये नहीं पता कि 108 से बड़ा कोई उपाधि नहीं होती, वो 108 तो सर्वज्ञ ने दिया तुमको, और जिम विद्यादृष्टि दे रहे डॉक्टरेट कौन दे रहे, भ्रष्ट लोग दे रहे, सुपर डिग्री तो बड़ी लगी, डॉक्टर चंद्रशेखर मुनि नाम जो भी, मुझे पता नहीं किसी के नाम, लेकिन दिगंबरों में कोई कोने लगा दिया अभी डॉक्टर नाम। अरे क्या मैंने तो अपना नाम प्रोफेसर ही नहीं लिखा कभी, केवल कॉलेज के साइन के सिवा मैंने कहीं नहीं लिखी, जरूरत पड़ती वहां तो साइन करने पड़ेगी तो लिखना पड़ेगा, प्रोफेसर बनना पड़ेगा स्टेटमेंट, तो उसके दिन के बाद से आज तक नहीं लिखा। महिमा उसकी है कि इस आत्मज्ञान की है, ऐसे समझ, इसका नाम है भजन, ध्रुव पे भजन ही नहीं तुम्हारा, 24 घंटे कहते ध्रुव क्या भगवान आत्मा, आ हा हा बहुत घनी बात है, गंभीर बात है, झीणी बात है, कितनी कितनी गहराई है, कहा बकवास कर रहे थे तुम, समझ आई बहुत गहराई जाना, क्या गहराई है ऐसी बात, क्या कठिन हो जाता है आम पब्लिक, बहुत गहराई गहरे गहरे पाताल में चली गई पढ़ना, देखो भैया
पापा ने तो मैंने पाताल देखा, लेकिन मिला ही नहीं मुझे तो। अब मेरे प्रयोजन इसलिए लोगों को अच्छे नहीं लगते, तो ये तसल कर दी, तो दूध में शक्कर डालना। अरे जी बत्तू साहब वो धम्मो है कि नहीं? वस्तु का स्वभाव यही धर्म है। तो हमने वस्तु के दृष्टान दे दी, हमने उपमा अलंकार वगैरह नहीं लगाया। मुझे आज तक नहीं दिखा गहरा पाताल और कौन कौन सा होता है। बहुत परेशान लोग हैं, बहुत परेशान। एक विद्वान ने कहा वो पर्याय आकाश में चली गई। कहाँ चली गई? अब ऐसे बैठे हो, पर्याय आकाश में चली गई। पर्याय ऊपर ऊपर तैरती। अच्छा कैसे तैरती? कह रहे कहाँ तैरती? और तैरने शब्द ही ऐसे तैरना, तो तैर वहां तो भाई तैरना मेरना था ही नहीं कच्ची। अरे वो कहने का भाव नहीं समझे। मैं सब कह रहा हूँ बहुत परेशान हुआ मैं भी इन शब्द जालों से, बहुत ही परेशान हुई। वो तो ये बहुत अच्छा हुआ कि गुरुदेव श्री ने जो बात कही थी मैंने वो पकड़ी। उद्रगुण की चर्चा पकड़ी, बस सिद्धांत प्रवेश का पकड़ी मूल में। गुरुदेव ने जो 16 आना कही थी ना, मैंने पूरा फोकस उस पर किया जिंदगी में, और फिर ये सब पढ़े। यदि मैंने किसी को गुरु बना लिया होता ना, ऐसे वो तैरने वाले हो गहराई वाले, तो मैं मर गया। उपमा अलंकार है, अलंकार के कैसे समझे? दमो के भगवान दास जी ने, भगवान दास सभी सुने प्रवचन के? नहीं सुने? हमने उनके प्रवचन सुने, यही पधारे थे एक बार, रहते थे वो भी, हम भी रहते थे सब महीना 15 दिन ऐसे आते थे सब दमो से, हम भी ठीक है चर्चा। अब हमने उनकी चर्चा सुनी, तो उनका एक दृष्टांत बहुत चलता था। सम्यक दृष्टि प्याला भर भर के अमृत पीता है, अनुभव का प्याला पीता, प्याला और प्याला 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 पर। अब ऐसी चर्चा और कहीं तो मिलती नहीं थी, प्याला उनके पास था। तो अब हमें हर बार सोचे प्याला कैसे पीता है, कब बस इसे चाय पीते तो देखा नहीं। सुनते सी शब्द वो प्याले में चला जाए। पर हमने उनसे पूछे प्याला क्या होता है, तो स्वानुभूति के घूट पीता है। घूट है, घूट माने फायदा देखने लगता है। हालांकि उन्हें समझाया, फिर समझ में आया कि ये सब कहने की शैली, अलग अलग वक्ताओं की अलग अलग शैली है। हमने समझ लिया अब हम वक्ताओं की शैली नहीं पकड़ेंगे, हम त्रिगुण पर्याय से पकड़ेंगे। उस दिन से आनंद है बस। अलग अलग वक्ताओं की अलग अलग शैली, आप फुटबॉल बन जाओ। हमने कहां से अर्थ कर लिया इसका? बत्तू सागो वस्तु का स्वभाव शक्कर, और बताओ कितना सरल दृष्टांत है। तीनों बात घटाई ना मैंने, तीनों बात घटाई, क्रियाएं घटाई, जानकारी घटाई और मानना घटाया। तुम नहीं जानो माना तो अभी चले, काम करो लेकिन। इसलिए इसमें बहुत अच्छी चर्चा है, मैं शब्द पढ़ के सुनाता हूं आपको। 272 में पहली लाइन देखो आप, दो काम होने चाहिए, यथार्थ ग्राही। ना तो इसमें सियोपम लिया, न तत्व विचार लिया, न पठन पाठन लिया, न विचारणा ली। ग्राही, यथार्थ ग्राही क्या होता है? यथार्थ ग्राही अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने द्रवगुण पर्याय, यथा माने जैसे, जैसे द्रवगुण पर्याय है वैसा समझो, कहो सुनो पढ़ो बोलो जिन कह। जल्दी जल्दी क्या कहे? कहो सुनो पढ़ो बोलो जिन कह। बुजुर्गो मुझे 5-5-6 घंटे रोज सुनेंगे सुनेंगे, यथार्थ ग्राही नहीं। मैंने ऐसे समझ लो कि शक्कर रखी है, 5-5 घंटे तक शक्कर में चर्चा होती है, शक्कर मीठी होती है इसलिए न्याय है, शक्कर यदि दूध में जाएगी तो तादात्म्य हो जाएगी, इसलिए दूध मीठा जरूर होगा। बात बिल्कुल 100% सच है। आज ये मानो काले मानो अनंत काल बाद मानो, मानना यही पड़ेगा, लेकिन शक्कर नहीं डाल रहे। तो तुम बोलो मत, डालो, समझ गए क्या कह रहे? समय तो आप भी हो सकता है तुम्हें, लेकिन हम मानो तुम लूज कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो सब। आओ यह सबूत खोज, अच्छा नचन को नहीं भाव, बड़े बड़े पंडितन तक को भाव नहीं। पंडित जी की वजह हो जाए, मैंने धर्मपुर में चर्चा ली थी, मैंने तो कई बार कहा यदि आप यहां समझते समय अब भी हो जाएगा, लेकिन फिर उनके जो गुरु थे वे बोले मैं तो नहीं मानता कि इनको कोई भी समय दर्शन हो गया। मैं आपका कहना सही है, लूज कॉन्फिडेंस वाले को हो ही नहीं सकता।
भाई साहब प्रथमानी हूं इसकी साक्षी है, बिना पंडिता की सम्यक दर्शन की साक्षी है जी। कह रहे शेर ने क्या 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 पढ़ा था, त्रिनेत्र गति की जीभ क्या क्या पढ़ती है, नर गति की जीभ क्या क्या पढ़ती है, भोग भूमि में आदिनाथ भगवान को सम्यक दर्शन हुआ था भोग भूमि में। वे उस समय क्या कर रहे थे, समय साझी पढ़ रहे थे, वहां कोई शिविर लगा था, भोगों में मग्न थे, वहां वृक्ष के नीचे इतने में मुझे आज पधार गए, उन्होंने संबोधन दिया सम्यक दर्शन हो गए। अभी अभी भी हमारे ये हटाक रहे नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, समय साझी पढ़े बिना तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं समय साझी पढ़ने वालों को नहीं हो सकता, उल्टा नहीं पकड़ना है, यथार्थ ग्राही को होगा। हाँ जैसे द्रगुण पर्याय वैसा, अब एक सेकंड में ना हो तो हमारा नाम बदल देना, जाओ एक सेकंड में समय दर्शन ना हो तो। कह रहे ना यथार्थ ग्राही, यथा जैसा, अर्थ माने पदार्थ ग्रहण करो और समझो, जैसा वस्तु पदार्थ है वैसा समझो। यथार्थ ग्राही तत्व अर्थात तू सकता समझ गया, इतने में तो काम ही हो गया। गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर मैकेनिकल, मैकेनिकल में गोल्ड मेडल, वो डब्बू है बिल्कुल, उससे कहते मोटर भर दो जी, मोटर समझते हो, मोटर वाइंडिंग करती ना, मोटर वाइंडिंग तांबे के तार से करा के दिखा दिए तो करोड़ रुपए देंगे तुम्हें। कौन की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर गोल्ड मेडलिस्ट पूरे वर्ल्ड वाइड, उस व्यक्ति से तुम मोटर बाइंडिंग करवा के बता दो 1 करोड़ रुपए देंगे हम तुम्हें। मैकेनिकल इंजीनियर है तो नाम को ये वो जो 8वीं फेल 5वीं फेल सड़क पर बैठने वाला मोटर बाइंडिंग करता है, वो मैकेनिकल नहीं है, इंजीनियर डिग्री नहीं है उसके पास, इतनी बढ़िया भरता है वो, बहुत अच्छी बाइंडिंग करता है वो। एग्रीकल्चर होती है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर साइंस कहलाता है वो, तो उसमें भी साइंटिस्ट कहलाते हैं एग्रीकल्चर कृषि वैज्ञानिक। तो अभी लड़का लड़की पढ़ती है कॉलेज में, लेकिन उन्हें पढ़ा था कौन है पता है, प्रैक्टिकल, उनके प्रैक्टिकल कौन कराता है, 60 साल की 70 साल की बुढ़िया अंगूठा छाप, वो खेतों में जाती है ना स्टूडेंट्स लड़के लड़की 20-20 साल की, तो वहां जाके उनको बुजुर्ग होती स्त्री पुरुष भी बताते हैं, बिटिया जाए निंदाई किए थे, निंदाई जाए गुड़ाई किए थे, निंदाई गुड़ाई भी समझाती है, वो नहीं समझा पाता प्रोफेसर, वो तो नहीं कहती अंग्रेजी बड़बड़ात कछ मक्का कब, अब समझ में आती कोई अंग्रेजी में बोल दे तो निंदाई गुड़ाई क्या होता है, जब भी तुमने नहीं सुना हुआ हिंदी में तो क्या हुआ, तुम जब भी नहीं समझोगे, हम खूब समझाते रहे नहीं समझ आएगी, तुम्हारे दिमाग में 2 मक्खी बन बनाएंगे निदाई और गुड़ाई का हुआ। तो फिर उस गांव में जाते खेतों में, फिर वो महिला सिखाती जो 60-70-80 साल की अंगूठे छाप होती है, फिर वो लड़की उनके सामने करके दिखाती है, अरे ये ऐसे नहीं, तुम्हें अक्कल ही नहीं, ऐसे थोड़ी करिए, ऐसे करिए याद 10 बार सही करती हो तब उन्हें समझ में आती है निंदाई गुड़ाई। देख लेना जाकर प्रैक्टिकल, हमने तो देखा सुना है ना, इसलिए हम कह रहे, मैं कह रहा हूं शब्द देना कठिन है अनुभूति सरल है। फिर से कह रहा हूं पढ़ने से पढ़ाने से भी अत्यंत सरल है सम्यक दर्शन, पढ़ने और पढ़ाने से भी। अब मेरी बात उल्टी उल्टी लग रही होगी बिल्कुल पक्की है, भले ही नहीं कह रहे लेकिन लग तो रही होगी उल्टी, मैं कह रहा हूँ समय से अभी हो जाए 1 सेकंड में, अब मेरी बात मजाक में उड़ा देते हैं सब लोग, मैं कह यथार्थ ग्राही भाई साहब एक काम करो, समय दर्शन कितना सरल है, दृष्टांत दे मुंह में शक्कर डालो और मुंह मीठा हो जाए, कितना कठिन है, कितना कठिन है क्यों, मुंह में शक्कर डालेंगे तो कितने महीने बाद समय में मिठास हुई है, कितने जन्मों के पुण्य के बाद भी है। गुरुदेव एक बात कहते थे, धर्म नगद का धंधा है, मैंने यथार्थ ग्राही को समझने से तत्काल होता है,
नगद का व्यापार है सम्यक दर्शन। और जो तुम्हारी सामग्री है ना पुण्य का, आज पुण्य करोगे तब कल मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा। पुण्य उधार का धंधा है और धर्म नगद धंधा है। इसकी भाषा में बोलो, यथार्थ ग्राही को नगद सम्यक दर्शन होता है और चर्चा करने वाले को उधार धंधा है, वो कभी मिलेगा तो मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं? तत्व चर्चा करने वालों को, पढ़ने पढ़ाने वालों को बड़े खुश हो रहे हैं। 5 घंटा सुनते, 6 घंटा सुनते, उधार धंधा है तुम्हारा, कह कब मिलेगा। मैंने यथार्थ ग्राही मैंने बत्तू साहब वो धम्म, उधर से अर्थ करो इसका। और सरल कर, अभी भी कठिन लग रहा है, फिर से सुन लो। अनुभूति अनंत गुणी सरल होती है शब्द से। कैसे? कैसे? ये कई दृष्टान दे दे रहे, ज्यादा नहीं लंबी कर रही, तुम भटक जाओगे। क्यों? शक्कर कैसी होती है बोलो, उगोड़ खड़े हो जाओ। शक्कर और गुड़ के बीच में अंतर करके समझाओ सबको। अरे हमें तो मिठास को अंतर पूछे, सफेद को पूछ रहा। अरे तो चलो, कम कम कैसे होती है दोनों के मिठास में? कम कैसे होती है? अब कम कम की व्याख्या कर, ज्यादा कैसी होती है, मिठास कैसी होती है? अब देखो अनुभूति कितनी सरल है और कहना कितना मुश्किल है। तुम कल तक लिख के बता दियो 1 करोड़ रुपए का इनाम। क्यों? तुम्हें मम्मी ज्यादा प्यार करते हैं पापा? और इस अनुभूति तो है, बोलो 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 बोलो, लिख के बता दो। पीएचडी कर लो, तुम्हारी पीएचडी भी पड़ेगी। अनुभूति इतनी सरल है, इतनी सरल है, उसको दृष्टान दे। अनुभूति इतनी सरल है, एक दिन का बच्चा हो, एक दिन का बच्चा, उसने कभी नहीं सुना कि रसगुल्ला मीठा होता है, इसका नाम रसगुल्ला है, रसगुल्ला का एक कंटेंट्स है, दादी ने बनाया कि मम्मी ने बनाया, उसे कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। और रसगुल्ले को ऐसे करके ऐसे लगा दो उसके मुंह में। अनुभूति इतनी सरल है, मुझे नहीं पता है रसगुल्ला है, कितने रुपए लागे थे, गोल है कि चोर चोकोर है, उसे नहीं पता कुछ। कौन ने बनाया उसे कुछ नहीं पता, मगर उसे इतना पता है। तो फिर सब पंडिताई बेकार है? नहीं, पंडिताई बेकार नहीं है, पंडिताई बेकार मत करो जी, कह रहे हैं पंडिताई तो हमने भी करी, पढ़ाई लिखाई हमने भी करी, पढ़ के ही बोल रहे, बिना आधार के थोड़ी बोल रही, इतने में तो हमारी डंडा डंडे उगाड़ फेंक दे, आज के समझ के प्रवचन नहीं होंगे। हम तो आधार से कह रहे हैं, निराधार नहीं कह रहे, इसीलिए हम एक बात कहते हैं स्यादवाद है। पंडित साहब हमेशा एक बात कहते हैं, हम स्वाध्याय कर रहे तो पंडित साहब कहते हैं सार्थक करो, हम पूजा करते हैं पंडित साहब कहते पूजा को सार्थक करो, तुम कहो हम ब्रह्मचर्य ले रहे, वे कहते सार्थक करो, हम इस कोरे ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य नहीं मानते, आप इसे सार्थक करो। गुरुदेव कहते थे तुमने अभी ब्रह्मचर्य लिया है, स्वानुभव से सार्थक करो। गुरुदेव की टोन और पंडित साहब की टोन एक है, आगे समझ में आया? अब कहाँ कठिन है हमें, सचमुच अनुभूति। हाँ बोलो, शब्दों से आनंद गुरी सरल है। शब्द देना तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन क्या है, हमसे पूछे तो असंभव ही है। मैं सच कहूँ मैंने ईमानदारी, जब मैं इतनी गहराई में जाता हूँ ना, मतलब तो बोलने का मन ही नहीं करता, क्या बोले, किसको समझाए, कौन समझे, ठीक है क्षणिक विकल्प आता होता हो जाता, बाकी ईमानदारी से कहें तो उसके हमें मालूम है कि तुम समझोगे अपनी योग्यता समझोगे, तुम्हारी काल लब्धि के बिना नहीं समझोगे। समझाने के लिए हम अपनी मर्यादा नहीं तोड़े, जितना विकल्प होता कह रहे हैं, इसका हमें पता है कि असंभव है समझाना। फिर वापस चलो, यदि सुनने से हो जाता तो सुनने से सबको हो जाता, पढ़ने से होता तो सबको हो जाता। 11 नवापुर के पार्टी का निषेध क्यों किया बोलो,
तब तो ये गाथा लिखनी पड़ रही है, इसके पहले लिख चुकी है। ग्यारह द्वादश अंक का धारक वो है ना, सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आत्म को, पहले आ चुकी इसमें गाथा। अब क्या कह रहे हैं, यथार्थ ग्राह। अब कह रहे ना यथार्थ का मतलब समझ गए, यथा अर्थ माने जैसा द्रवगुण पर्याय है। सब कोर्स छोड़ दो तुम, सब कोर्स केवल द्रवगुण पर्याय पकड़ लो बस, और जब तक नहीं समझ में आ जाए उसी मेहनत करो। वैसे तो एक सेकंड में समझ आ जाएगी, सब तो कठिन है समझे तो बहुत सारे। यथार्थ ग्राही तत्व के रहित अयथाचार से, अयथाचार रहित, अब रहित शब्द और आया था दो शब्द हुए, आया था और रहित, तो प्लस कर दो दोनों को, माइनस माइनस प्लस, माने यथाचार माने जैसा द्रगुण पर्याय का अनुभव किया वैसा ही आचरण। चरणानी नहीं बोल रहा हूं मैं, चरणानी तो पहले से ही सही है उसका मुनिराज का प्रकरण है ना, आचरण का तो पहले किया है। 28 मूल निर्दोष पालती पिछली गाथा में कहा था, गलती कहां हो रही थी, यथार्थ ग्राही नहीं थे और यथाचार नहीं था। द्रव्यानुसार ये चरणम आए ना इसका शुरू में, द्रव्यानुसार ये चरणम, चरणानु चूलिका की शुरुआत के कलश में आया, तो वैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि उसका भजन पर पे नहीं जाना चाहिए, इतनी सी बात, इसका नाम ही यथाचार। समझ में आएगी नहीं यार, भजन नहीं जाना ही यथाचार है, अपना भजन अपने में आ गया यही यथाचार है। अभी नहीं समझ में आया वो मैं समझ रहा हूं, दृष्टांत देके समझाता हूं आपको, है ना, दृष्टांत दे देखो सही बताना। अभी भी कोई बहुत बढ़िया प्रवचन कहाँ मिल जाए तो उसकी महिमा आती कि नहीं आती, यही आया था चार अभी किसी ने 10 दिन का उपवास कर लिया हो, गजब है, तुम्हें जी निकल कैसे गया गजब है, जी आया था चार। समझा क्या आया था चार है, तो यह था चार क्या है, अरे जब हमें देह के पर्णमन को कोई गिनते ही नहीं है तो ये बहुत बढ़िया क्या, कैसे हुए बहुत बढ़िया, कैसे हुए। एक बालक की मैंने प्रशंसा की पंडित साहब के सामने, बहुत छोटा बच्चा था, दूसरी पढ़ता था, वो उसे प्राकृत की गाथाएं याद कर ली थी बहुत सारी, पंडित साहब से तारीफ भी उसकी, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत तेज है गाथाएं, मुझे सचमुच प्रमोद हुआ था उसको देख करके, जब सुनाई थी उसने देवलाली शिविर में तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं पंडित साहब का, लेकिन पंडित साहब के चेहरे पर इतना भी नहीं आएगा हाँ ये बच्चा ऐसे भी देखे उसे। फौरन बोले तुम इस सेवसों को चतुराई समझते हो, चतुराई तो वह है जो शुद्धात्मा को अनुभव करे, रट ली रटा दी सुना दी, ये कोई प्रफुल्लित होने लायक बात नहीं, माने भी प्रफुल्लित तक नहीं मुझे कह रहा हूं ये है यथाचार। जी यथाचार नजर वहां जाती है, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो काय की चतुराई। अब तुम्हें क्या नुकसान है बताऊं, तुम्हें ये नुकसान है कि तुमने तत्काल बंद कर लिया, अगली बार वैसी चतुराई तुम्हें मिल जाएगी और शुद्ध आत्मा नहीं मिलेगी। जे यथाचार का नुकसान है, क्या कहा मैंने, यथाचार का नुकसान जिस तुम मुझे देख रहे हो। एक बात है ब्रह्मचारियों के माजी कितना बढ़िया खेस, अब तुम इसे देख के खुश हो गए, कितना बढ़िया शहर, कितना इज्जत आबरू, तो पक्की बात है कि तुम निदान बंद करने के बाद शुद्ध आत्मा से खाली रहोगे और जी मिलेगा तुम्हें, अब कितना महंगा सौदा हुआ जी, और तुम्हें भी 100 लोग आ जाएंगे, 1000 लोग नमस्कार करेंगे, विधायक आ जाएगा, सांसद आ जाएगा, वो तुम बड़े खुश। जो व्यक्ति विधायक सांसद से मिलकर खुश है वो यथाचार को गवा देता है। भाई तो बड़ा देश का प्रधानमंत्री ने हमारी इज्जत करी, मैं एक बार मेरे प्रधानमंत्री की इज्जत इज्जत ही नहीं लगती, मतलब जो देता है
क्यों? वो तो सबको बोलता है। तुमने देखा हो कभी कोई व्हाट्सएप पे तुम्हारी वीडियो वगैरह चलती रहती है, इंदिरा गांधी ने जैन धर्म की तारीफ की, अब तुमने सिखों की भी करी, अब क्या फर्क पड़ो? उन्होंने तो रेदास की भी करी और आचार्य कुनकुन की भी करी, तुम अपने अपने उसमें बुला लो आचार्य कुनकुन एक बड़े महान आचार्य, एक दो चार डायलॉग मारे आचार्य कुनकुन की तारीफ करी, अरे कहा जा रही बेचारे, उन्हें तो रटा के बोल देती है, बोल देती है। हमें तो दुख तो तब होता है, क्या कहें गंदे शब्द, जो सीलवान में और बेस्या में अंतर नहीं समझता उसकी वाणी का क्या प्रमाण मान। अंतर घनेर है, कुंद कुंद बैन और के बैन, अन्य मत की वाणी और जिनवाणी, अंतर घनेर है। कैसे कनेर और कैती एक कही जाए, कुछ है वो सब पढ़ लेना, वृंदावन दास जी का आचार्य कौन कौन सब महिमा में, आग दूध गाय दूध अंतर घनेर है, है याद आए, कुंद कुंद जैन बैन इंद कुंद कुंद से, ऐसे बहुत अच्छा है ना, ऐसे लिखा ना बढ़िया, याद नहीं मुझे, पढ़ लेना, बहुत अच्छे छंद है, बहुत प्यारे छंद, हाँ ना हुए हैं ना है ना होएंगे, मुनिंद कुंद कुंद से उसी में आया जी, आग दूध आग 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 कौआ का दूध और गाय का दूध अंतर घनेर है, कहाँ कौआ की वाणी और कहाँ कोयल की टेर। मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं कभी खुश नहीं होता नेताओं ने क्या कहा जैन धर्म के बारे में, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, क्या किसी मुनि के बारे में, अपन जरूर खुश हो गए, कहा उनने तो वोट बैंक साध लिया तुमसे, इसलिए मैंने कहा जो सती में और बेस्या में अंतर नहीं समझता हो उसका क्या प्रमाण पत्र माने, बन तीखी भाषा बोल रहा हूँ, गुरुदेव को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी, मैंने जैनत्व किसी से लिया नहीं जो छोड़ा लेगा कोई। गुरुदेव को धमकी दी इंदौर में कि हम आपको दिगंबर जैन नहीं मानेंगे। गुरुदेव हंसने लगे, जय यथाचार, हंसने लगे, जी नहीं हुआ, कहीं कहीं पास हो गया, कहीं पास हो गया पूरे देश में कि हम जैन नहीं है, दिगंबर जैन आज न थी तो फिर क्या हुई है। गुरुदेव हंसे, ये यथाचार था, क्या क्या हो गया इसमें, हुआ क्या इसमें, गुरुदेव बन क्या बोले, हमने किसी से पूछ करके जैन धर्म अंगीकार नहीं किया है इसलिए कोई हमारा जैन धर्म छुड़ा नहीं सकता। हमने स्वानुभव से जैनत्व ग्रहण किया है, कैसे छुड़ा लोगे तुम, क्या कर लोगे, ये यथाचार। अब लगाओ कितने लगा सकते हो, हम तो बहुत बोल देंगे दृष्टांत, यथाचार अयथाचार करो अंबर, ये तुम्हें अयथाचार ज्यादा देखने को मिलता है। मेरे एक इशारे पर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए, मुझे पता है सेठ लोग तारीफ करेंगे, ट्रस्टी तारीफ करेंगे, सब हमारे हमारे पधारो हमारे पधारो, हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए हमारा प्रोजेक्ट। मैं सोचता हूँ एक सिद्ध का सबसे बड़ा अपमान है, एक ब्रह्मचारी का बहुत बड़ा अपमान है, लोग इसलिए हमें याद करेंगे, हमें एक वाणी से 1 करोड़ इकट्ठा होता है। मैंने आज तक बोली फोली कराने से कोई काम नहीं, चाहे काम हो चाहे मत हो, तो हमें इसलिए याद करोगे, अरे हमें आनंद तब आए जब तुम ये कहो आपके एक प्रवचन से हमारा ममत्व टूट गया, तुम्हारे एक प्रवचन सुनने से हमारी मोह टूट गया, राग टूट गया, व्यसन छूट गए, चलो कोई बात नहीं व्यसन छूट गए, हम खुशी होगी, कभी कम से कम तुमने विशुद्धि के लिए तो याद किया। इससे बड़ा घटिया समाज कौन होगा, ट्रस्टी कौन होगा जो ब्रह्मचारी से ऐसे काम करवाए, पैसे जोड़ो, निर्माण करा दो, मंदिर बना दो, हम तो अपना हम तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, भूखे मर जाएंगे तो नहीं करेंगे, अपनी अस्मिता नहीं बेचेंगे, भाई वाम का पुण्य को काम, यही तो हम कह रहे हैं, पुण्य कहते किसको है, पहले बोलो, आया था चार वाले को पुण्य नहीं होता, थोड़ी देर पहले क्या कहा था, पुण्य का बंद और पुण्य का उदय सम्यक दृष्टि को होता है, आया था चार वालों को नहीं होता,
बहुत कड़क कड़क है, बहुत रत्न है, रत्न गाथा रत्न है जी। समझिए बेटी कैसी, हमसे तो ज्यादा पढ़ा नहीं जाता। बहुत बहुत गहरी गहरी बातें हैं, विचार करना और तो क्या कहें। अयथाचार का मतलब लगाना बेटी, अयथाचार रहित है। यथाचार क्या है फिर? वो द्रव गुण प्रिया स्वतंत्र जानने के बाद सच में ऐसे भाव नहीं आते। एक दब दूसरे को करता नहीं है तो फिर ऐसा ही भाव आता है, तो करने के विकल्प से बस। एक दब दूसरे को समझा नहीं सकता, यथाचार बोलो तो समझाने के विकल्प से बस। अलम अलम किम बिस्तरण, अलम अलम विकल्प दुर्विकल्प ही अलग क्या कर वो समझ देख लेंगे। समझ गया, उसमें पढ़ लेगा सर। ये यथाचार है, नहीं नहीं मैं जानता तो हूं कि नहीं समझा सकता, फिर भी समझा रहा हूं, आ जा समझा। ये यथाचार है, यथाचार तो है कि उस विकल्प को भी तोड़ देते। अरे फिर ये लोग कब सुनेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर बड़ी मुश्किल से तो आए गांव के लोग, चलो सुना दो, चले गए, चले गए, चले जाओ, क्या दिक्कत है? ये कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनके उदय में उनके भवितव्य में होगा तो निमित्त मिल जाएगा कोई ना कोई, हम नहीं होंगे कोई और मिल जाएगा। हमारी दुकान पर नाश्ता नहीं करा तो जिधर जाएंगे वहां कर लेंगे। जो उनके भाग में वो खा लेंगे, हमें क्यों, हमने क्या ठेका लिया? क्यों हलवाई दुकान बंद कर लेता किसी दिन तो फिर टेंशन करता वो बेचारे, कचोरी तो हमारे ही खाते। अरे तुम नहीं खोलोगे दुकान तो हमें कचोरी नहीं खाया, कहीं और खा लेगा। ऐसे सहानुभूति का निमित्त जहां होगा वहां कर लेगा, घाटा तो कभी होता ही नहीं। ये यथाचार है, यथाचार यहां से लगा ना, द्रगुण प्रिया की स्वतंत्रता से यथाचार आता है। एक एक शब्द बहुत गहरे इसके। ओम नमः सिद्धि।